Hello, welcome to the class 10 physics. Class 10 physics. The topic is electric motor. Electric motor is a device. It is a device which converts mechanical energy. Center finger indicates the direction of the current,
देन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर विल बी अलोंग द थंब, ऐसे करके याद रखना है, लिखना है। तो ये यूजफुल हो गया कि व्हेन ये करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, करंट अगर बंद कर देंगे तब किसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा, करंट जीरो हो गया तो फोर्स क्या आ जाएगा, फील्ड का पूरा जीरो हो जाएगा, है ना। यूजफुल क्या है कि व्हेन इस पर व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर 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 इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने का आसान तरीका है, एक तरफ नॉर्थ पोल और दूसरे तरफ साउथ पोल, बीच में मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, आग से नहीं दिखेगा लेकिन उसका इफेक्ट दिखेगा। देखो उसी तरह ईश्वर है, आग से नहीं दिखता है लेकिन उसके इफेक्ट दिखता है, उसका मार जो है फील नहीं होता, पता नहीं चलेगा कि लाठी लग रहा है। हाँ तो भी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, तो ये क्या करेगा, इट एक्सपीरियंस ए फोर्स, ये फोर्स लगना है, इसी तरह नहीं जा रहा नहीं चाहता, इट एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स किस डायरेक्शन में फोर्स जाएगा, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज डिटरमाइंड बाय, डिटरमाइंड बाय इसे लेमिंग्स, लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है ना, लेफ्ट लेफ्ट हैंड रूल से डिटरमाइंड होता है, और लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का स्टेटमेंट याद कर लेना, थोड़ा ज्यादा लिखा, ये तो इसका प्रिंसिपल हुआ। अब देखेंगे हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन, कैसा कंस्ट्रक्शन यहाँ होता है इलेक्ट्रिक मोटर, और फिर देखेंगे वर्किंग कैसे वर्क करता है, तो कंस्ट्रक्शन देखेंगे, कंस्ट्रक्शन 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 में सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड लेना है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने का तरीका क्या है, इधर में इलेक्ट्रो मैग्नेट ले करते हैं सॉलिडाइड का, इधर में इलेक्ट्रो मैग्नेट का जो है साउथ पोल रखते हैं, इसके बीच में जो है ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ये एरो डायरेक्शन दिखाए, मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाएगा, और ये पहला जो है इसका कंस्ट्रक्शन में, ये सब कंस्ट्रक्शन में जो पॉइंट देंगे वो इस तरह करके लिखेंगे, और ऐसी करके वीडियो देख करके इसको कॉपी में उतार लेना है ना। तो पहला में चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर दिए, दूसरा में चाहिए आर्मेचर, आर्मेचर 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 का मतलब होता है कॉइल है ना, ये किसका बना होगा, इंसुलेटेड कॉपर वायर का, इंसुलेटेड कॉपर वायर का बना होगा, बहुत सा टर्म बना होगा आर्मेचर को, कॉइल गोल भी कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर कॉइल बना सकते हैं, रेक्टेंगुलर क्वाइल बना दिए ऐसा ऐसा, ये हो गया ए, ए बी कंडक्टर है, इसी में जोड़ देंगे बी सी तो ना करेक्ट जाएगा, ए सी बी बन गया आर्मेचर बन गया, रेक्टेंगुलर आर्मेचर या क्वाइल, और इसको इधर से ला करके यहाँ रिंग पहना देंगे, इसे रिंग पहना देंगे, इसे रिंग पहना देंगे, है और इसके ऊपर एक ब्रश रहेगा कार्बन ब्रश, ठीक है, ये लिख करके इधर आएगा, और यहाँ से भी जो है कार्बन ब्रश लगा है, ये रिंग जो है ऐसा है ऐसे से घूमेंगे, ऐसे से घूमेगा और कार्बन ब्रश जो है उसके ऊपर टच करके रहेगा, आपने जो है ब्रश रहेगा, रिंग ही घूमेगा, रिंग घूमेगा तो आर्मेचर भी घूमेगा, है ना। तो और इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर एक एक्सल लगा रहेगा, धुरी लगा रहेगा, ऐसा ये धुरी जो है नन कंडक्टिंग धुरी होगा, और इसको रिंग का अंदर अंदर जो है कंडक्ट, रिंग हो गया आर वन ब्रश हो गया बी वन, रिंग हो गया आर टू ब्रश हो गया बी टू, और इसको जोड़ करके इधर लगा, और एक धरती का सोर्स लगा देंगे, चलो दो तीन बच लगा देते हैं, एक स्विच की जरूरत बनाओ, जो जरूरत पड़ेगा तभी स्विच बन जाएंगे, अभी क्लोज ओपन है, और ये जो एक्सेल है ये एक्सेल जाएगा ऊपर है ना, ये घूरेगा तो कैसे घूरेगा, तो उसके बाद आर्मेचर चाहिए, तीसरा नंबर में रिंग चाहिए, रिंग रिंग जो है स्प्लिट रिंग,
कितना होगा? स्प्लिट हेडिंग चाहिए, कौन कौन? कार्बन कार्बन चाहिए, चौथा चाहिए क्या? कार्बन ब्रश है ना, कार्बन कार्बन ब्रश, कार्बन का बना होगा, कार्बन कंडक्टर है ये, बी वन एंड बी टू बनेगा, ठीक है। उसके बाद चाहिए इलेक्ट्रिक सोर्स है ना, इलेक्ट्रिक का सोर्स चाहिए। सोर्स मतलब क्या लगा देंगे? बैटरी लगा देंगे है ना, बैटरी बैटरी लगा देंगे है ना। और ये सब कनेक्शन करने के लिए कनेक्शन वायर चाहिए, सोर्स चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद जो है इतना सब लीक हो गया तो चलेंगे इसका वर्किंग कैसे होता है, व्हाट इज इट वर्किंग, वर्किंग क्या होगा, काम कैसे करेगा है ना। वर्किंग तो वर्किंग में सबसे पहले स्विच को ऑन करेंगे, स्विच को क्या करते हैं, ऑन कर देंगे, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट सप्लाई होगा। ये कार्बन का बना हुआ आगे इस रिंग में आएगा, रिंग भी कंडक्टर है, ये करंट यहाँ से यहाँ जाएगा, बी ए से बी की ओर, बी से क्या सी की ओर, सी से बी की ओर, और ये आए करके यहाँ जाएगा। फिर ये रिंग कंडक्टर है, यहाँ से जो है करंट जाएगा और ये करंट जो है सर्किट को पूरा कर देगा। तब क्या होगा? तब देखो ये वाला आर्म जो है कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में लगा हुआ है, करंट जा रहा है इसमें, इसका इसका इधर फोर्स जाएगा, फिर इधर है करंट उतर रहे हैं, ये भी आर्म एक्सपीरियंस फोर्स का हुआ है। तो ये भी आर्म जो है, ये भी आर्म्स है ना, एक्सपीरियंस फोर्स, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस फोर्स किधर डाउन वार्ड है, डाउन वार्ड रहेगा है ना, डाउन वार्ड रहेगा। डीसी में भी तो कह जा रहा है, लेकिन ये फील्ड के साथ एलम है इसलिए इसमें कोई फोर्स नहीं रहेगा, थीटा जीरो साइन जीरो जीरो। अब सीधी आर्म में करंट आ रहा है, करंट जा रहा है नीचे, तो यहाँ पर क्या होगा? ये देखो फील्ड इधर है और फील्ड इधर है, करंट इधर है, तो सीधी आर्म को फोर्स किधर जाएगा? आप की ओर जाएगा, मतलब दूसरा में वो जो सीधी आर्म है, सीधी आर्म आर्म एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस फोर्स, इस पर फोर्स अपवाद अपवाद फोर्स लगेगा है ना। इसका मतलब ये जाएगा नीचे, करंट जैसे बह गया ये जाएगा नीचे ले गया ऊपर, तो क्या हो जाएगा? रोटेशन शुरू हो जाएगा, क्या होगा? ये रोटेशन इस तरह होगा है ना, और ये जैसे घिरेगा ये वाला रिंग जो था, ये रिंग घूम के इधर आ जाएगा, वो रिंग बच गया और ये रोटेशन कंटिन्यू हो जाएगा है ना। और ये रोटेस कर रहा है तो ये एक्सेल है, एक्सेल मतलब धुरी, ये भी घूमेगा, इस धुरी के आगे में इस तरह से ब्रेक लगा दो, फिर ये क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक फैन बन जाएगा। इसके आगे में मान लो लगा देंगे इस तरह का ये नुकीला कोई चीज लगा देंगे, तो इसको भी घुमाएगा तो ये ड्रिल बन जाएगा, क्या बन जाएगा? ड्रिल है ना, ये ड्रिलिंग मशीन बन जाएगा, ड्रिल करने के लिए घुमाना है ना। और इसी के आगे मान लो कोई पंप सेट लगा देंगे तो पानी निकालना शुरू कर देगा, इसी के आगे में मान लो रग लग देंगे इस तरह का पॉट कर देंगे तो वो क्या इसको घुमाएगा तो ये क्या बन जाएगा? मिक्सी बन जाएगा है ना, मोटर यही काम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी चलने वाला तो हीटर का यूजेज है ना, रेफ्रिजरेटर में भी होगा, मिक्सी में से होगा, इलेक्ट्रिक फैन में है, और कोई भी पार्ट को रोटेट करना होगा, जैसे अभी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल रिक्शा आ गया है, उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट भेजते हैं, मोटर का आर्मेचर घूमता है, उसके साथ धुरी घूमता है, उसके साथ पीछे वाला चक्का पे जोड़ दिए, मारा चल रहा है, तो दी जाएगा यूनियन आपका मोटर इलेक्ट्रिक मोटर। तो ये बैटरी में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर था, यही एनर्जी कन्वर्ट होगा किस में? मैकेनिकल एनर्जी में, रोटेशनल एनर्जी में, स्पीकर जो है मतलब करंट की एनर्जी में कन्वर्ट होगा। इलेक्ट्रिक मोटर ये डिवाइस कुछ कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। ओके थैंक यू, और बढ़िया से एग्जाम देना है आखिर भी।